नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, न्यू बॉर्न बेबी का मैंने बहुत सुंदर सा एक कंगारू वाली जो थैली होती है, जैसे ठंड में बच्चों को उसके अंदर लेटा देते हैं, और अगर कोई गोद में भी लेता है तो शॉल में लपेट के लेते हैं तो फिसल जाता है बच्चा, तो उसमें आराम से लेटा देते हैं, सुला देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ कैसे बनाइए, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे सिलना है और कितना लेना है, लंबाई चौड़ाई वो सारा शेयर करूँगी। तब प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ये देखिए दोस्तों, शनील के मैंने बेड बनाए हैं, बिस्तर कान्हा के लिए, मतलब न्यू बॉर्न बेबी के लिए मुझे कान्हा ही याद रहते हैं, क्या करूँ। ये देखिए, ये मैंने कैसे सिले हैं, ये सबकी मैं ड्राफ्टिंग आपको शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं ये, शनील की बनाए हैं, गरम कपड़े की बनाए हैं, फर की बनाए हैं। बाहर तो शनील और अंदर टावल कॉटन का ही कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाजुक। और ये मेरे नंदलाला भी सो रहे हैं, ये देखिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं ये दोस्तों, इनमें हवा नहीं लगती बिल्कुल भी, आराम से बच्चे सोएंगे। और चेन लगा दी है सभी में मैंने। देखिए दोस्तों, शनील का बनाया है मैंने, और यहाँ पर चेन लगाई है, अंदर भी टावल लगाया है सॉफ्ट बच्चे के लिए, और यहाँ पर उसका प्लो लगा देंगे और इसको ऐसे करके बंद करके सुला देंगे। और एक ये इस टाइप का बनाया है, दूसरा देखिए ये जाड़ों के लिए, ठंड के लिए आराम से बच्चे को पहनाकर स्वेटर और लिटा देंगे, और किसी बच्चे की गोद में भी देंगे तो भी निकलेगा नहीं बच्चा आराम से। इसमें देखिए, इसमें भी चेन लगाइए यहाँ पर, कॉटन का कपड़ा यहाँ लो लगाएंगे, और ये देखिए इसकी शेप राउंड कर दिए। एक ग्रीन कलर का बनाया है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इसकी ड्राफ्टिंग में करने जा रही हूँ। ये मैंने जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेड बनाया है, इसमें आराम से ठंड में लपेट सकते हैं शॉल की जगह, ठीक है। यहाँ पे प्लो लगा देंगे, वो मैंने वीडियो बनाई दी है। अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की है मैंने, ये देखिए, ये तो इसकी चौड़ाई 18 इंच और लंबाई 20 इंच या 25 इंच, देखो मैंने लिख रखा है, चौड़ाई 18 इंच लेनी है और लंबाई 20 इंच लेनी है। इधर ऐसे यहाँ से और यहाँ से सिल देंगे, यहाँ से सिलते हुए, यहाँ से सिलते हुए पलट देंगे, और ये जो निशान लगाया है मैंने यहाँ कट कर देंगे, यहाँ से बच्चे को लिटाएंगे और यहाँ प्लो रखेंगे, ये शेप लगा देंगे ऐसे, और इस जगह पाइपिंग लगा देंगे, यहाँ पाइपिंग लगा देंगे और यहाँ चेन लगा देंगे। तो इसे हम इस तरह से यहाँ कैसी भी पाइपिंग बना देंगे, ऐसे पाइपिंग लगा देंगे सुंदर बनाने के लिए, और यहाँ चेन, इधर चेन लगा देंगे, ये मैं शेयर करूँगी लिखा हुआ अभी, ठीक है। अभी मैंने कटिंग कैसे करी है, तो ऐसे निशान लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच का निशान लगा कर
दो इंच का यहाँ निशान लगाकर धीरे धीरे डॉट डॉट करके ऐसे शेप बना लेना, जैसे कि ये मैंने किया है। देखिए इस तरह से आँखें जैसी शेप बना के कटिंग कर दिया। यहाँ से ये बच्चे को लुटा देंगे, यहाँ ये पाइपिंग, यहाँ पाइपिंग, और इधर सिलना है, इधर सिल के और यहाँ सिलना है, फिर पलट देना है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक चेन लगानी है। इतनी काफ़ी है ड्राफ्टिंग के लिए। और इसमें जो नाप है ये मैं लिख दिया है, और ऐसे ही इसकी पिक डाल दूँगी, ठीक है। जैसे कि ये है, ये देखिए ये शेप दे रखे मैंने, ये दे रखे, और ये चेन लगा रखी है। उसी तरह से ये देखिए, जैसे ये शेप है ऐसे ये शेप है। तो